अलवर के भिवाड़ी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें, जहां औद्योगिक नगरी भिवाड़ी को 1457.50 करोड़ रुपए का टारगेट मिला है और वाणिज्य कर विभाग ने यह बड़ा टारगेट दिया है। वैट में 1020 करोड़ रुपए का टारगेट मिला है और अभी तक 2226 और 995 करोड़ का लक्ष्य अर्जित किया गया है। बीते वर्ष मुकाबले से बेहतरीन प्रगति रिपोर्ट रही है और अतिरिक्त आयुक्त प्रशासन राम प्रसाद ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि राजस्व अर्जित करने के साथ ही औद्योगिक वातावरण बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। उद्योगपतियों और टैक्स वार के साथ विभाग का बेहतरीन तालमेल बना हुआ है। तो औद्योगिक नगरी भिवाड़ी प्रदेश की सरकार का राजस्व का सबसे बड़ा केंद्र है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवं संवाददाता चंद्रशेखर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, एक बड़ा टारगेट और एक टारगेट पहले ही पूरा करा और अब एक फिर से बड़ा टारगेट दिया गया है। बिल्कुल ऋषभ, बताना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार के जो रेवेन्यू का बड़ा डिपार्टमेंट है वो सेल टैक्स है और उसमें भी औद्योगिक नगरी भिवाड़ी जो की अलवर जिले में आता है उसका बड़ा भूमिका रहती है। हर साल उसमें एक बड़ा टारगेट दिया जाता है। इस बार भी 1457 करोड़ रुपए 50 करोड़ रुपए का बड़ा टारगेट विभाग द्वारा सेल टैक्स विभाग भिवाड़ी को दिया गया है। इसको लेकर लगातार विभाग के अधिकारियों की ओर से अचीवमेंट को लेकर कार्य किया जा रहा है। यहाँ के अतिरिक्त आयुक्त हैं जो प्रशासन देख रहे हैं राम प्रसाद, उनकी ओर से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और टारगेट को पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही राजस्व वसूली हो और उसके अलावा औद्योगिक वातावरण भी बना रहे, इसको लेकर टैक्स बार एसोसिएशन, बीएमए और भिवाड़ी की जो औद्योगिक यूनियनें हैं उनको सभी को साथ लेकर सेमिनार कर और चर्चा कर इस टारगेट को पूरा करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही एमनेस्टी स्कीम योजना भी सेल टैक्स विभाग की ओर से चलाई जा रही है, उसके तहत भी विभिन्न प्रकार के छूट व्यापारियों को वन टाइम में टैक्स जमा कराने पर दी जा रही है। ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थे एवं संवाददाता चंद्रशेखर शर्मा जो इस खबर पर जानकारी साझा कर रहे थे।